हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। जी हाँ, मुझे बहुत दिनों से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें कुछ ऐसा बताएं जिससे हमारे फेस के जितने भी दाग धब्बे हैं वो सब दूर हो जाए, साथ में झाइयों की प्रॉब्लम हो, जिसे एजिंग की प्रॉब्लम बोलते हैं, वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, हमारा स्किन टोन बिल्कुल लाइट हो जाए, इवन हो जाए। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ही रेमेडी लेकर के आई हूँ। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के लिए पपाया ऑयल लेकर के आई हूँ। बात करूँ पपाया की तो पपाया के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, ना सिर्फ हमारे स्किन के लिए बल्कि हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप इसे रेगुलर अपने डाइट में शामिल करते हो तो ना सिर्फ आपके डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। स्किन की बात करूँ तो आपके स्किन टोन को, सबसे पहले जिसे बोलूँगी, आपके स्किन टोन को लाइट बनाता है। जी हाँ, रंग निखारता है, क्लेंजिंग का काम करता है, स्क्रबिंग का काम करता है, फेशियल हेयर को रिमूव करता है, और दाग धब्बों के लिए तो सबसे अच्छा होता है। क्योंकि जी हाँ, इसमें नेचुरल ब्लीचिंग पावर होता है। जिस तरीके से नींबू में, आप सब जानते हैं, नींबू में विटामिन सी होता है, सेम इसी तरीके से भी पपाया हमारे स्किन को ब्लीचिंग का काम करता है, स्किन टोन को बिल्कुल इवन बनाता है। किसी भी तरीके की आपको स्किन पे टैनिंग हो रखी हो, दाग धब्बे हो, चाहे वो एक्ने की वजह से हो या किसी भी वजह से आपके फेस पे दाग धब्बे हो गए, तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो आइए चलिए दोस्तों, देखते हैं इस पपाया ऑयल को हमें बनाना कैसे है। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर। दोस्तों, पपाया ऑयल बनाने के लिए हम लेंगे सबसे पहले पपाया। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पपाया को काट लिया है पीसेस में। अब आप क्या कर सकते हैं, आप किसी हैंड ब्लेंडर से इसे मैश कर सकते हैं या मिक्सर में। तो मैं यहाँ पे मिक्सर का यूज़ कर रही हूँ। मैंने अपने जो पपाया आपको अभी दिखाया है उसे मैंने इस जार में डाल लिया है, और इससे ज़्यादा मेरे इस जार में आ नहीं रहा था। तो आप देख सकते हैं, अब हमें, जैसे मैंने आपको बताया, अब हमें अच्छे तरीके से पीस लेंगे, क्योंकि हमें इसका ऑयल बनाना है तो हमें एकदम बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में चाहिए, तो हम इसको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पतीली या एक पैन ले लेंगे, आप जो भी बर्तन ले रहे हैं उसमें हम कोकोनट ऑयल डालेंगे। जी हाँ, कोकोनट ऑयल हमें एक से आधे कप या एक से दो कप के बीच में लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक कप कोकोनट ऑयल लिया। अब हमें क्या करना है, अपनी जो गैस की आँच उसको बिल्कुल धीरे रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे रखा है। गैस की आँच को बिल्कुल धीरे रखना, तेज नहीं रखना। अब हम इसमें अपना जो मैंने पपाया दिखाया था आपको, ये इसे मैंने बोल में खाली कर लिया। अब हम इसे अपना पपाया डालेंगे। पपाया बस हमको एक से दो चम्मच के करीब डालना है, हमें इसका अर्क लेना है। तो हम सिर्फ इसमें थोड़ा सा पपाया ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। और हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरीके से ढक के छोड़ देंगे। कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे ढक के छोड़ देंगे, ताकि जो पपाया का अर्क है इस कोकोनट में ऑयल में आ जाए। कोकोनट ऑयल मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसे इसी तरीके से, तो दोस्तों 15 मिनट ऑलमोस्ट, मैंने जैसे 10-15 मिनट जैसे मैंने कहा उसे मैंने उस तरीके से पकाया, और उसके बाद उसे मैंने इस बोल में खाली कर लिया। अभी ये फिलहाल गर्म है तो ये कंटेनर में खाली करने लायक नहीं है, तो मैंने इसे इस बोल में रखा है। और आप देख सकते हैं हमारा जो कलर है इस कोकोनट ऑयल का पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। इसमें पपाया का कलर अर्क आ गया है, और जितनी भी पपाया की गुडनेस थी वो सब कुछ इस ऑयल में आ गई है। और आपको इसे रेगुलर लगाना है, आप लगा भी सकते हैं, रेगुलर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठंडा हो जाएगा तो हम इसे कंटेनर में खाली कर लेंगे। मैं आपको अभी इसे लगा करके भी दिखाऊंगी। तो दोस्तों, पपाया ऑयल मैंने जो आपको अभी बनाना बताया है, अब मैं आपको उसे लगाने का तरीका भी बता देती हूँ। करना कुछ नहीं है आपको, आपको अपने इस पपाया ऑयल को लेना है, आपको अपनी फिंगर टिप इसमें डिप करनी है, और इसे आपको, मैं आपको अपने हाथों पे लगा के बता रही हूँ, आप उसी तरीके से अपने फेस पे अप्लाई करेंगे तो उसे ऐसे तरीके से सर्कुलर मोशन में अपने फेस पे हल्के हाथों से मसाज करनी है, और इसे लगा के छोड़ देना है रात भर पे, ताकि रात में भर में आपकी स्किन में ये अब्सॉर्ब हो जाए और आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा बना दे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आपको मेरा अगर आज का ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ मिश्रा की तरफ से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।